सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के लिए जागरूक किया गया। पूरा कार्यक्रम मुख्यालय सभाकक्ष में आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय स्थित जिला सभाकक्ष में तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत बड़ी ही उत्साह के साथ की गई। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। सड़क सुरक्षा के नियमों को लोगों तक पहुंचाने और लोगों को इन नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा का यह तीसरा सप्ताह शुरू किया जा रहा है। स्कूली छात्र छात्राएं और एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से भी लोगों को तमाम तरीके के स्लोगन और आयोजनों के साथ सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। एआरटीओ लक्ष्मण प्रसाद के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई, जो 7 दिन तक लगातार सड़क सुरक्षा के नियमों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। यहां से एनसीसी कैडेट्स स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूकता प्रचार प्रसार वाहन को रवाना किया गया, जिसको हरी झंडी आरटीओ द्वारा दिखाई गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत को लेकर एआरटीओ लक्ष्मण प्रसाद ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। सौजन्य से हमारे परिवहन आयुक्त, हमारे प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश पर, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों पर तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। हो रही दुर्घटनाओं से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा पूरा समाज जो आहत हो जाता है, उसमें दुर्घटनाओं का मानक एकदम नगण्य हो जाए, शून्य हो जाए, इस उद्देश्य से आज मेरे द्वारा परिवहन विभाग द्वारा एक तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में, हमारे जो भदौरिया जी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के द्वारा किया गया। मैं जो प्रमुख रूप से बुलाए गए हैं कि इन्हीं के माध्यम से शुरू से इसको एक शिक्षा के रूप में लिया जा रहा है। और आप इस विदित हैं कि जितनी ही शिक्षित व्यवस्थाओं में इसका प्रचार प्रसार होगा, हम उतनी ही दुर्घटनाओं के नियमों से परिचित होंगे और ग्रामीण से लेकर प्रत्येक जनमानस में इसका प्रचार प्रसार करेंगे और सुरक्षाओं के विषय में उनको जानकारी देंगे और शून्य की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि दुर्घटनाएं मैनपुरी की जनता यातायात नियमों को। मैं यही अपील करना चाहता हूँ मैनपुरी की जनता से कि जो सड़क सुरक्षा या सड़क के जो नियम हैं, सीट बेल्ट, हेलमेट, नशे की हालत में दाएं बाएं, जेब्रा क्रॉसिंग इत्यादि जो भी नियम हैं, जब भी वाहन से अपने घर से निकलें, नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने गंतव्य तक जाएं और फिर वापस अपने गंतव्य तक पहुँचें। यही मेरी अपील है कि परिवहन विभाग के नियमों का पूर्णतः अक्षरशः उनका पालन करें। मैं यही सबसे अनुरोध करूंगा और दुर्घटनाओं में से बचें।